हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अगर भाई आपने गमले में पेड़ पौधे लगा रखे हैं और वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उनके पत्ते इस प्रकार काले पड़ रहे हैं या पीले कलर के उग रहे हैं या ऐसे सूख रहे हैं, तो भाई उसके लिए आप कौन सा खाद डाल सकते हैं और कितनी मात्रा में आपको डालना है। तो भाई अगर आप इंडोर फार्मिंग कर रहे हैं या फिर छत पे अपना कोई गार्डन बना रखा है या पौधे लगा रखे हैं, तो आप उसमें कैसा कौन सा खाद डालें कि वो पेड़ पौधे अच्छे से ग्रोथ करें। तो भाई वो खाद दिखाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ये भाई वो खाद है, ये आप देख सकते हैं, ये भाई गेहूँ गन्ना सब्जी सोयाबीन आलू हर प्रकार की सब्जी फल फूलों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो अधिक फुटाव होता है, कीड़ों से बचाव होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये 1 किलो की पैकिंग में आता है, इसका रेट हालांकि 190 रुपये दिखा रखा है, मगर ऑफलाइन मार्केट में ये खाली 60 रुपये का मेरे को मिला है। ये भाई नीम खली, जो नीम का जो खाद होता है, तो भाई अगर आप इसको अपने पौधों में डालेंगे तो आपको इसके अलावा कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर वो पोषक तत्व तो होता है जो एक पौधे को ग्रोथ के लिए चाहिए, या फलों की सब्जियों की किसी भी प्रकार के जो पौधे हैं सब में डाल सकते हैं। भाई डालने का तरीका ये देखो, मैंने पहले ये खोल रखा है, आप एक मुट्ठी बार एक गमले में डाल सकते हैं, ये इतनी मात्रा इसकी काफ़ी है। ये इस प्रकार भाई ऐसे ब्राउन कलर का आता है, जैसे जो नीम के जो छाल होते हैं सूखने के बाद हल्का रेडिश जो कलर होता है उस प्रकार का होता है ये। तो भाई ये डालकर और आपको अपने पौधे में पानी डाल देना है, तो भाई इससे आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपके पौधों में कोई भी कीट वगैरह का भी भाई प्रकोप है तो इससे उसमें भी रोकथाम में सहायता मिलती है। तभी आपको ये खाद है जो ये नीम खली ये डालना है, हफ्ते में एक बार एक मुट्ठी,